मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज टेनिस एक ऐसी स्पोर्ट है जो बहुत सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में बट इतनी प्रमोट नहीं होती. यू नो हम सिर्फ क्रिकेट प्रमोट करते हैं. सो आई फील कि टेनिस बहुत ज़्यादा टैलेंट है कंट्री में. सो वी शुड प्रमोट टेनिस एज अ स्पोर्ट. एंड टेनिस प्रीमियर लीग जो है वो लास्ट सीजन से मैं एसोसिएटेड हूँ. लास्ट सीजन भी मैंने दिल्ली बेनीज ब्रिगेड जो मेरी टीम है दिल्ली की आई को ओन दैट टीम. और इस सीज़न वापस वी आर सो एक्साइटेड कि ये लीग हो रही है. दिसंबर में मैचेस शुरू होंगे एंड यू नो सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स गेट अ चांस. लास्ट टाइम तो कुछ जो बच्चे थे दे वर लाइक ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ओल्ड एंड दे हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम एवरीवेयर एंड दैट कम हेयर फॉर द टीम एंड इतने एक्साइटेड थे. वो व्हील चेयर प्लेयर्स भी थे. सो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आई थिंक बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है अभी तो. लाइक बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है. लाइक लिएंडर पेस जी भी जुड़े हुए हैं इस लीग से. सो अभी आई थिंक काफ़ी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी कंट्री में. आई डोंट थिंक अब ऐसा है कि फैसिलिटी नहीं मिलती. ऑक्शन अभी स्टार्ट मेरी टीम का होने वाला है. अभी हुआ नहीं है. लास्ट ईयर वी हैड इंडिया टॉप प्लेयर अंकिता रायना विद अस इन माय टीम. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. और जो इवन न्यू प्लेयर्स थे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़े एक्सपीरियंस्ड और लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ स्टेज शेयर करने के लिए. तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे प्लेयर्स हमारे पास आएँ, साथ ही साथ नया टैलेंट भी आए ताकि एक बैलेंस रहे टीम में. एक्टर डायरेक्टर के साथ साथ में आपने प्रोड्यूसर भी, आप ऐसा मानती और ऐसे ढेरों सारे स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर आप स्पेसिफिक किसी के ऊपर करना चाहेंगे जो आपका प्लेयर आप बता सकते? आई थिंक लिएंडर पेस जी के ऊपर डेफिनेटली आनी चाहिए बिकॉज जब इंडिया में टेनिस बिल्कुल एज अ स्पोर्ट इतना नोन भी नहीं था तब लिएंडर पेस महेश भूपति जी ने इन्होंने डबल्स खेलते थे. आई वॉज अ किड देन एंड आई यूज टू वॉच देयर मैचेस टीवी पे और बहुत एक्साइटिंग लगता था बिकॉज ऐसे लगता था कि हमारी कंट्री को रिप्रजेंट कर रहे हैं. तो एक यू नो एक इमोशन जुड़ा होता है, एक इंडियन इमोशन. ओके मैम, जब भी आप बिजनेस लेकर आते हैं तब धमाका मच जाता है. अभी तो मेरी पिक्चर आ रही है सत्यमेव जयते 2 जिसकी शूटिंग हमने कोविड में ही ख़त्म की. बट थैंकफुली हम सब सेफ थे. मैं 5 से 6 बार लखनऊ गई बट थैंकफुली आई बिन प्रोटेक्टेड एंड होपफुली अब यू नो धीरे धीरे आई होप लाइक आप सब भी लोग बाहर है फील्ड पर है. सो आई होप आप सब सेफ रहे, हम सब सेफ रहे. अब तक ट्रेलर आ जाएगा? यू नो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ऑडियंस थिएटर्स में जाना शुरू हो. जैसे आई सी रेस्टोरेंट्स में सब जगह लोग जा रहे हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं, फ्लाइट्स में घूम रहे हैं. तो आई होप थिएटर्स जो एकदम बंद हो गए और इंडस्ट्री इतनी मायूसी हालत में पहुंच गई है, आई थिंक वो रिवाइव बैक हो और थिएटर्स में लोग जाएं. जैसे साउथ में तो इतने ज़्यादा थिएटर्स फुल जा रहे हैं. इवन न्यू कमर्स की फिल्म्स 100 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं आजकल साउथ में. सो आई होप द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ रिवाइव एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ रिवाइव. या अभी तो मैंने सोचा नहीं है. Let's see.